यादव जी, प्रधान महासचिव, कई बार के मुखिया, एक्स अध्यक्ष मनोज विश्वास जी, आज के इस स्थापना और पार्टी के कार्यालय उद्घाटन और पार्टी के नवगठित अध्यक्षों को जिम्मेदारी देने के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री शाहनवाज साहब। इस मंच पर पूर्व जिला अध्यक्ष विश्वमोहन जी, इस पार्टी के स्थापना दिवस में प्रोफेसर क्रांति कुमार जी, महिला के जानदार शानदार अध्यक्षता जो देश की आधी आबादी के मालिक लवली नवाब जी, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और पलासी से आए हुए जो कि जोगी भाई का जो दर्श मोहन लंबा नाम हो गया, दो दो दिन मोहन है जोगी भाई जी, पूर्व मुखिया और पार्टी को लगातार कई बार के अध्यक्ष विश्वमोहन यादव जी, पूर्व प्रत्याशी जो कि आज के महासचिव अरुण यादव जी, हमारे पार्टी के लगातार दिशा दशा देने वाले पूर्व प्रधान महासचिव अरुण कुमार यादव जी और पार्टी के बड़े सीनियर लीडर अनुभवी लगातार कॉलेजों के लड़ाई से और राष्ट्रीय जनता पर आस्था रखने वाले बड़े भाई सरवर साहब अमीर नाथ आनंदी संचालन कर रहे हमारे विश्वास जी, गुड्डू झा जी और अल्पसंख्यक वंचित समाज के अध्यक्ष भानु जी, ताबीर साहब, वारिस साहब, तमाम सम्मानित राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के रीढ़ के तमाम संगठन के सम्मानित अध्यक्षगण और पार्टी के मानने वाले लगातार पार्टी पर आस्था रखने वाले सुशील भाई है, तमाम लोग बिछड़े हुए लोग आज देखने के बाद सरपंच साहब है और इस देश के आधी आबादी का आज गर्व की बात है कि हमारी पार्टी का माता और बहनों को इस हॉल में देखकर बड़ा गर्व महसूस। पूर्वोत्तर ने लगातार सीमांचल को सेक्युलरिज्म का, भाईचारे का लगातार लालू जी पर आस्था रखने वाले तमाम साथियों का, तमाम लोगों का मैं हृदय से नमन करता हूं और सलाम करता हूं। पूर्वोत्तर ने हमारे तेज तरार जो मनीष बाबू है, शाहनवाज साहब है, आपको पूरी आस्था के साथ बताने का काम किया, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, पार्टी हमारी जब तक मां नहीं मानोगे, आस्था नहीं रखोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। हम तमाम साथियों को कहना चाहते आज सीमांचल में, मैं पूर्ववक्ताओं की बातों पर जाना नहीं चाहता, लगातार हमारी पार्टी ने
लगातार दो महीने से अब लगातार प्रोग्राम बने हुए, लेकिन आपको पार्टी को जब मां मानेंगे तो मैं समझता हूँ कम मेहनत में आप आगे बढ़ जाएंगे। एक एक हम दूसरे की बात कहना नहीं चाहते। आप जितने लोग हो यहाँ आज पार्टी के स्थापना दिवस पर अजम करो कि मेरी पार्टी माँ, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे पर सीमांचल को जो चढ़ावा बनाया है, पूरे देश के भ्रष्टाचार के पैसे हमें आपको खरीदने का काम कर रहा है, उस पर आपकी जज्बा और आपकी ईमानदारी पूरे देश को सीमांचल बदल देगा। मैं एक बात और कहना चाहता, आप लोगों को काफी भूख भी लग गई है, नेताओं का बात सुनने में कई आदमी टोका, विश्वास भी है, लोग हैं, सब तो सम्मानित है, पार्टी के रीढ़ हो, जब पार्टी बचेगी तब आप बचोगे। मोनोपोली नहीं चलेगा। अभी माननीय मंत्री जी ने लगातार कहा एक घंटा आपको जो समय मिले कि हमारी पार्टी, हमारे लोग, जो हमारे लोग 90% से भी ज्यादा हमारे चंद लोग, आज अगर आज हमारी सरकार ने आदरणीय नीतीश जी ने आदरणीय लालू जी ने आज जो ये कराना चाहते वो कौन लोग, आज हर जाति का जो हिस्सेदारी होती, अंगड़ा भी होता पिछड़ा भी होता, जो आज सरकार में उसे हक नहीं मिलता उसका सर्वे, लेकिन चंद लोग पूर्ण खुल जाए, जो 7 से 8% लोग, पूर्वोक्ताओं ने 15% की बात किया, हम किसी का विरोधी नहीं, हम व्यवस्था का विरोधी। आज जो व्यवस्था है देश में है, आज आपकी चुनी हुई सरकार को आपके पैसे से, आपका पैसा आम लोगों की सरकार को बदलना चाहता, लगातार बदलना। ये कर्नाटक में क्या हुआ, ये मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, लेकिन आप ताकतवर, आप जिस दिन चाहोगे उसका धन दौलत जो राम रहीम को अलग करना चाहते हैं, जो देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, आप इतने लोग बोल बंद हो जाओगे, वो सीमांचल से दिल्ली तक हट जाएगा। ये मैं आपको स्टैंड पैदा करना हो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हम पार्टी के समर्थित जो बड़े लोग हैं, मनीष जी बड़े विस्तार से कहे, हम ये नहीं कहना चाहते आपको, मनीष जी अगर जूता खोल के जाएंगे, लेकिन आप जूते पहन कर करके अगर उसको ठीक कर लेते हैं तो वो सब 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 नेता है, सब जितने लोग बैठे हुए छोटा से लेके बड़ा जनता को करीब से जान, वो क्या था आज देश पर, मैं नहीं जाना था। लालू यादव एक एक आदमी के दिल में बसे, वो कहां दूरियां बची, उस खाई को मिटाना हो उसके लिए आज एक एक आदमी को अर्घ देना हो, हम कहना चाहते, हमारा मीडिया भी चले, हमारा कागज भी चले, लेकिन जो जमीन पर जो बैठे जमींदार हैं वो जो भटक गए हैं उसको हम कैसे साथ, जिस दिन इस काम को कर लेंगे। आज मनीष जी को मैंने फार्मिंग देने भी कहा था, मैं तो आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, लगातार जब आप निर्वाचित हुए लगातार भीमराव अम्बेडकर का प्रोग्राम चल रहा,
हम तो सलाम करते हैं आपके टीम को, ठीक है हमने कुछ फॉलो नहीं किया, उसी बीच में उसको भी फॉलो करना है कि दो आदमी आना था, चार आदमी आना था। आपकी ये बड़प्पन है, आप अपने लोगों को बे कमेटी का बे पद का आपका प्रोग्राम हुआ, आपको इसके लिए मुबारक। लगातार अगर हमारा अध्यक्ष 12 घंटा कटता है तो आपको 6 घंटा कटना होगा। हम पदेन सभी को गाले, जब तक आप कटोगे वहां दौलत, वहां पूरा पूरा देश का जो हमारा संपत्ति था देख रहा हूं, उसका जवाब तुमको जवान से दे रहा हूं। आपके पास ताकत है और हम ना पिछड़ा है ना दलित है, हम सब शुद्ध रहे। ये मानना, ये मानना हो वो जादव हो तेली हो, सब शुद्ध रहे। इस बात को जब लोगों के कान में जाएगा, मैं तो 9 साल खुला, आपको ट्रेनिंग देना होगा। अभी कहा कि आपके पार्टी के मनोफेस्टो को एक एक आदमी को जानना, जब आप जानेंगे, जब गांव तक पहुंचेंगे, मैं समझता हूं जीन, पहले जीन निकलता था, वो जीन कहां हो उस पर चर्चा करना हो। आप चाय की दुकान में हो, जहां भी बैठे आप अपने सिंबल को लेकर बैठे। मैंने तो आदरणीय अध्यक्ष जी को कहा ये टोपी गमछा हमारी पार्टी का सिंबल है, ये सिंबल जितने पदाधिकारी हैं लगातार इसका इस्तेमाल करें, उससे भी माहौल बनेगा। वो 99% भारत जलाओ पार्टी, भारत जलाओ पार्टी कहते थे, आज भी लालू यादव 56 इंची का कलजा तो लालू यादव रखता है, हम उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन आप तमाम लोगों को मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूं, आप आधी आबादी को ज्यादा से ज्यादा जोड़े और आप अजम कर लेंगे ये सीमांचल का जिला अररिया एक मिसाल बनेगा पार्टी के लिए, ये कहना चाहिए। बहुत सब नेता है, हम ये नहीं कहते, सब में क्षमता है। आप जब खड़े हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ 24 घंटा बोलते रहेंगे तो देश के आईन को देश और दुनिया में क्या हो रहा है। अभी तलवार की बात है, हमारे नौजवान एक ही रंग का तलवार, डिफरेंस भी नहीं, ये समझना है। उसको शिक्षित करना हो सियासत के माने। आज सियासत में अगर आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो आपको कौन पूछे, अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए कितना चिंतित रहते हैं। वही आपको समय निकाल करके अपने पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के, हमारी पार्टी को भीमराव अम्बेडकर 90 से लगातार आदरणीय लालू जी भीमराव अम्बेडकर की बात कर और उसको इंप्लीमेंट किया। स्वर चलाने वालों, तारीफ करने वाले तमाम लोगों को आवाज दिया, तुम पढ़ो लिखो, अम्बेडकर जी ने भी वही, तुम संगठित हो, तुम संघर्ष करो। ये तो लालू जी 90 से पहले तो बोले, आज तक बोल इसी चीज को पहुंचा ना, जिस दिन आप पहुंचा जाएंगे तो 85 नहीं अब 90 से आगे जाएंगे। उसको एक सीट नहीं, 2 सीट से 300 सीट पर झूठे वादों पर राम रहीम के झगड़े में हम लोग भाई 5 साल लगातार भाई भाई है, अभी पूर्वक और वोट के दिन क्या हो जाए, बहुत भयंकर हो जाए। और मैं लगातार कहता हूं पार्टी का जब भी निर्देश होता है, माननीय अध्यक्ष जी का जब भी निर्देश होता है, आपको पार्टी पहली बनाए तब काम,
अब हम हमारा बेटा का दिया है, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। लगातार पार्टी का काम चल रहा था, मेरे घर में साथ था, उस दिन रानी गई में था, पार्टी को करे सारे काम। पहला पैर जिस दिन यहां तमाम लोग पार्टी को मां पारा पा रहे, मेरी बीवी परेशान है, लेकिन उस वक्त मैं नहीं रुकूंगा। मेरी बच्ची परेशान है, मैं पहले पार्टी का काम करूंगा, तब अपनी बीवी का हाल। ये आप कहो काम करना अंत है, और मैं समझता हूं आज के लिए पूरी टीम को, तमाम नेता को, तमाम कार्यकर्ता को पार्टी का वीर हो पाए, अब वीर हो पाएगा। जिस दिन आप अजम कर लो, आज अजम करो कि हम 2 महीने में 3 महीने में, मैं समझता हूं कि पूरा बिहार में हरकंप मच गया। और एक अच्छा प्रोग्राम है, तमाम साथियों को कहना चाहिए, तमाम लोगों को जोड़े, आप बोली में परिवर्तन कर, अपनी आवाज में परिवर्तन, और जिस पार्टी का डिसिप्लिन नहीं होगा वो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा। मानना, अपने अध्यक्ष को मानना होगा, अपने संगठन को इज्जत देना होगा। समय का सिद्धांत बहस में किया जाए, इन बातों के साथ तमाम लोगों को, तमाम आए हुए लोगों का, और मैं तो तैयार हूं, मैं उस बात का बेटा हूं, मैं हवा के विपरीत चलना जानता हूं। हवा के विपरीत चलोगे, जिस दिन हवा के विपरीत चलोगे तो कामयाबी तेरे कदमों में होगा। इन्हीं बातों के साथ राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेजस्वी राबड़ी लालू जिंदाबाद, और पूरी कमेटी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से।